हेलो फ्रेंड्स, आज आपके इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सीबीसी पर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर। देखिए, आरएस प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में हो सकता है इसे 2 या 5 नंबर का फैक्चुअल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए। मैं अपने इस लेक्चर में प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट आरएस प्री में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वर्तमान सीबीसी कौन है, हालांकि करंट अफेयर्स था ये क्वेश्चन, तो शरद कुमार जी भारत के इस वक्त वर्तमान चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं और भारत के पहले सीबीसी हुए हैं नीतू श्रीनिवास राव जी। ओके, अब बात करते हैं सीबीसी की। ठीक है, सीबीसी में जो वर्ड है विजिलेंस, इसका मतलब होता है सतर्कता, यानी कि सतर्कता किसे बरतनी है, सरकारी महकमों में होने वाले भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार को रोकना मेनली इस बॉडी का मेन पर्पज है, मेन मोटिव है। ओके, देखिए, सन 2003 से इसको स्टेटूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया है। अब एक वैधानिक संस्था है सन 2003 से, 2003 से पहले ये एक स्टेटूटरी बॉडी नहीं थी। बेसिकली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1964 में संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे किया गया था। तो संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से इसको क्रिएट किया गया। संथानम कमेटी बेसिकली 1962 में अपॉइंट की गई थी, जिसका मेन पर्पज था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना, और उसने कहा था कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन को मिटाना है तो हमें सीबीसी जैसी एक बॉडी की आवश्यकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए 1964 में सीबीसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ओके, वर्तमान में जो सीबीसी है ये 3 मेंबर्ड बॉडी है, इसमें 1+2 का कॉम्बिनेशन है, एक चेयरपर्सन और दो इसके अदर मेंबर्स होते हैं। ओके, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। राष्ट्रपति जी को इनके अपॉइंट करने की जो रिकमेंडेशन है वो 3 मेंबर कमेटी से मिलती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं और लोकसभा के विपक्षी नेता होते हैं। ये जो कमेटी है ये इनके नाम को रिकमेंड करती है और फिर राष्ट्रपति जी इनको अपॉइंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टेन्योर की बात करें तो 465 विच एवर इज अर्लियर, या तो 4 साल का टेन्योर या 65 इनकी है, जो भी पहले हो जाए ये इनका मेन ये इनका टेन्योर होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि रिमूवल की, इनका जो रिमूवल है वो राष्ट्रपति जी द्वारा ही किया जाता है। बेसिकली राष्ट्रपति जी इनका रिमूवल तब करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में इसी केस इनकी इंक्वायरी चल रही होती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जी को एडवाइस करता है कि आप इन्हें रिमूव कर दीजिए। सो राष्ट्रपति जी इनको सुप्रीम कोर्ट की एडवाइसेस के अंडर में इनको रिमूव करते हैं। ओके, एंड दे ऑल्सो हैव इम्यूनिटी इन टर्म्स ऑफ सैलरी अलाउंसेज सर्विस कंडीशन, जस्ट लाइक चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। जो यूपीएससी के चेयरपर्सन और मेंबर्स हैं उन्हीं के तर्ज पे इनको भी सैलरी अलाउंसेज और सर्विस कंडीशन के रिगार्डिंग इम्यूनिटी मिली हुई है, ताकि ये अपना काम बिना किसी भय डर के दबाव के ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी के साथ अपना काम कर सकें। ओके, अब बात करते हैं सीबीसी के फंक्शन एंड ज्यूरिस्डिक्शन की। बेसिकली सीबीसी का जो फंक्शन है ये मेन एजेंसी है जो कि भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो उसके जो पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनमें जो करप्शन है उसको रोकने की मेन एजेंसी है ये। ओके, और ये किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या अथॉरिटी के कंट्रोल से फ्री रहती फ्री है, किसी का दबाव इस पर नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका ज्यूरिस्डिक्शन जो है, जिस क्षेत्र जो इसका जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रुप ए ऑफिसर्स, ऑफिसर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड पीएसयूज एंड एलआईसी। ओके, रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रिटी इंडेक्स, हाल ही में सीबीसी ने एक इंटीग्रिटी इंडेक्स का कंसेप्ट दिया, जिसमें बताया गया कि हम हर महीने जो है जो सरकारी महकमे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी इंटीग्रिटी लेवल के साथ उनको हम रैंक दे सकते हैं। सो जो इंटीग्रिटी इंडेक्स का कंसेप्ट है हाल ही में दिया गया है सीबीसी के द्वारा, जिसका मेन पर्पज है करप्शन को कर्व करना। ओके, इट हैज सिविल कोर्ट लाइक पावर इन प्रोसीडिंग्स। जो सीबीसी है अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान सिविल कोर्ट जैसी पावर रखती है। सिविल कोर्ट जैसी पावर रखने का मतलब होता है कि ये किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर सकती है या किसी को भी अपना समन इशू कर सकती है अपनी प्रोसीडिंग के दौरान। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कंसर्न अथॉरिटीज आर नॉट फुली बाउंडेड टू टेक एक्शंस ऑन ऑल रिकमेंडेशंस, बट दे हैव टू गिव रीजंस इन रिटर्न। देखिए, ये जो सीबीसी है इसकी रिकमेंडेशंस बेसिकली एडवाइजरी नेचर की होती है। जो कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटीज हैं वो फुली पूरी तरह इनकी रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाउंडेड नहीं है, लेकिन उन्हें ये जरूर लिख के लिखित में रिटर्न में देना पड़ता है कि हमने आपकी किसी रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना। ओके, और सीबीसी हर साल एक अपनी परफॉर्मेंस की एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपती है और राष्ट्रपति जी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सौंपते हैं। फिर पार्लियामेंट में रिपोर्ट चली जाती है, उसमें लिखा होता है कि हाँ सरकार ने या कंसर्न अथॉरिटीज ने किस रिकमेंडेशन को माना और किस रिकमेंडेशन को क्यों नहीं माना, उसका कारण सब लिखा हुआ होता है। मतलब देखिए, डायरेक्टली तो सीबीसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल है, और इनडायरेक्टली जो कंसर्न अथॉरिटीज है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस अपने एक्शन के लिए पीपुल रिप्रेजेंटेटिव के लिए तरफ अकाउंटेबल है इनडायरेक्टली। ओके,
अब बात करते हैं कुछ इश्यूज की जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं सीवीसी के। सीवीसी बेसिकली इसे ईडेंचुलस बॉडी कहा जाता है क्योंकि इसके पास ना तो क्योंकि इसके पास सीबीआई जैसी कोई पुलिस प्रोसीडिंग पावर नहीं है और ये सिर्फ डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन करता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए अक्सर ये सीबीआई पर डिपेंड रहता है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विसल ब्लोअर एक्ट 2011, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। विसल ब्लोअर एक्ट 2011 का जो मेन पर्पस है, जो विसल ब्लोअर्स हैं सरकारी महकमों में, विसल ब्लोअर्स मतलब विभीषण टाइप के लोग जो कि चुगली करते हैं, चुगली अच्छे सेंस में करते हैं, ये करप्शन के केसेस को एक्सपोज करते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये लोग खुद ही विक्टिमाइज हो जाते हैं, जो लोग करप्शन को एक्सपोज कर रहा है वो लोग खुद विक्टिमाइज हो जाता है। तो उन्हें विक्टिमाइज होने से बचाने के लिए विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 लाया गया है। ओके इनको एक तो विक्टिमाइज होने से बचाता है और साथ ही इनको एनकरेज करता है कि आप करप्शन के केसेस को रेगुलर एक्सपोज करते रहिए। ओके ये अपनी जो जो एक्सपोजर है करप्शन केसेस का, रिटर्न में ईमेल के थ्रू किसी थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर फाल्स केस देंगे, फाल्स एक्सपोजर करेंगे तो इनको 2 साल की सजा या 30,000 रुपये तक का जुर्माना इन पर किया जा सकता है। विसिल ब्लोअर एक्ट 2011 जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के रिगार्डिंग जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उन पर ये लागू एक्ट एक्ट ये एक्ट लागू नहीं होता है। ओके सो गाइस ये रहा सीबीसी प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके इश्यूज इंपॉर्टेंट है कि ये इडेंचुरस बॉडी है, इसकी कोई इसके पास सीबीआई जैसी पुलिस प्रोसीडिंग पावर नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और ये सीबीआई के असिस्टेंट पर डिपेंड ये निर्भर रहता है। सीबीआई बेसिकली जो है ये शुरुआत में होम मिनिस्ट्री द्वारा क्रिएट की गई थी, बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर लाया गया है और दिल्ली स्पेशल पुलिस पावर एक्ट है वजह से सीबीआई को जो है पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। ओके तो सीबीआई एक कॉन्ट्रोवर्शियल बॉडी है ही हम जानते हैं, हालांकि सिलेबस में सीबीआई नहीं है। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीबीसी एंड सीबीआई। ओके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन हाँ सीबीसी से क्वेश्चन आ सकता है। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, ज्यूरिसडिक्शन क्या है और उसके इश्यूज क्या है, 2-3 इश्यूज पता होने चाहिए तो हम ले सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट।